वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट, टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से संबंधित संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार इस प्रकार रहने वाले। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। तो दोस्तों, चलिए आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार और डेली रोजगार एक्सप्रेस यानी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ भर्तियों से संबंधित खबर। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में आंशिक बदलाव, 25 मार्च से होने वाली परीक्षा अब 26 मार्च को होगी अजमेर। जयपुर में आज से खुलेंगे स्कूल। जयपुर परीक्षा परिणाम उन्नयन पर रखे विशेष जोर श्री माली। रीट भर्ती 2016 से जुड़े मामले सरकार में अपील खारिज। सरकार को करनी होगी अंग्रेजी विषय के 826 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी हाईकोर्ट। ज्योग्राफी में 55.66%, म्यूजिक में 39.69% और बायोलॉजी में 51.96% रही उपस्थिति। प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा की जो परीक्षाएं थी अजमेर। अनुकंपा कर्मचारियों को टंकण परीक्षा के लिए 2 और अवसर। जेएलओ परीक्षा का प्रश्न पत्र किए अपलोड। अनुकंपा कर्मचारियों को टंकण परीक्षा के लिए 2 और अवसर। 2 गुना विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। पटवार भर्ती परीक्षा में 214 पदों का और इजाफा, अब 4421 पदों पर होगी। राजस्व मंडल ने चयन बोर्ड को भेजी सूचना। 20 जनवरी से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। जेई मेंस परीक्षा एनटीए ने लिया स्टूडेंट से फीडबैक, पेपर पूरा होने के साथ ही बता दी सारी समस्याएं। अभ्यर्थियों ने संगीत में भी नहीं दिखाई रुचि, 32 में से 8 आए। मंगलवार को 3 विषयों की आयोजित हुई थी परीक्षा। स्कूल व्याख्या भर्ती परीक्षा कोटा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगेगी लगाम। फीस सहित अन्य मामलों पर पैसे वसूलने के सामने आ रहे प्रकरण। बाल वैज्ञानिकों ने बड़ी उड़ान, प्रदर्शित किए मॉडल। जल संरक्षण और स्वच्छता की बताई आवश्यकता। भीलवाड़ा, मेंटोर टीचर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न। नौनिहालों में उत्पन्न करें शिक्षा के प्रति रुचि, प्रशिक्षण में सीखे नवाचारों का शिक्षण में करें उपयोग। निष्ठा के तीसरे चरण का शिविर का समापन। टॉपर्स की कॉपियों से जाने 10वीं बोर्ड में अच्छे स्कोर का फार्मूला। 30% छात्र ही ला पाते हैं आरबीएससी में फर्स्ट डिवीजन। आरयू की एमएड पहले और तीसरे सेमेस्टर की 3 परीक्षाएं स्थगित। पीटीआई भर्ती ग्रेड 3 टीएसपी क्षेत्र के 458 अभ्यर्थियों को राहत। बीकानेर, यूपीएससी इंटरव्यू के अंक ला सकते रिजल्ट में अंतर। 12वीं गणित ऐच्छिक विषय का पेपर अब 26 मार्च को। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के 68 पदों पर होगी भर्ती। पुलिस मुख्यालय की ओर से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के 68 पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए अगले 15 दिन में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। चयन के लिए 3 चरणों में होगी 100 अंकों की। फीस बकाया होने पर नहीं दिलाई थी परीक्षा, अब 1 साल के लिए मान्यता रद्द। जयपुर प्राध्यापक भर्ती 2018, सोशल मीडिया पर वायरल हुई ओमआर शीट व पेपर मामले में अभ्यर्थी हुआ ट्रेस। आरपीएससी ने सेंटर अधीक्षक से मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। अजमेर, जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों के लिए प्रश्न पत्र जारी, परीक्षा प्रश्न पत्र। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 संगीत में 577 में से 229 ही परीक्षा देने पूछे। SBI में 8000 पदों पर निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 जनवरी। राजस्थान में करीब 500 पद खाली। दिल्ली मेट्रो में 1047 पदों पर मांगे ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि 13 जनवरी। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और CISF की जाएगी भर्ती। RBI में 926 सहायकों के लिए भर्ती, 16 जनवरी तक करें आवेदन। भास्कर गाइड, निजी स्कूलों के मान्यता प्रकरणों के लिए निदेशालय में शिविर आज, 31 तक खुला रहेगा मान्यता पोर्टल। TSP क्षेत्र में PTI की नियुक्ति पर रोक हटी, जल्द पूरी होगी प्रक्रिया। उदयपुर, 5017 में से 2282 ने दी स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा नहीं दी उदयपुर। जेई मेंस परीक्षा के बाद सवालों की समरी, NTA ने पहली बार स्टूडेंट से लिया फीडबैक।
जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमंद में परीक्षा की तैयारी की हुई बैठक। 14,000 शिक्षक व 1960 स्कूलों का डाटा एक क्लिक में मिलेगा। सरकारी ग्रांट में सुविधा। इंस्पायर अवार्ड प्राप्त दो बाल वैज्ञानिक भी जाएंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 15 से झुंझुनू में। प्राध्यापक भर्ती में उपस्थिति बढ़ी अब 50% से अधिक पहुंचे विद्यार्थी। मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र 10 से भरे जाएंगे। मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर एक रिटर्निंग व दो मतदान अधिकारी निलंबित। सीकर शिक्षा की मॉनिटरिंग होते ही सिरोही 10वें से 10वें स्थान पर पहुंचा। मेंटोर टीचर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिविर आयोजित। JNVU स्वयं पाठी छात्रों को परीक्षाएं 13 फरवरी नियमित कक्षाएं 12 मार्च से। तो दोस्तों ये थे आज के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ और डेली देखिए संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। दोस्तों इसे रोजगार एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए भर्ती की खबर भी इसमें लेकर आता हूं। तो दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना।